हार हो गया था। तो यहां पर शायद इतिहास दोबारा अपने आप को दोहरा रहा है। एक बार फिर से बता दूं, पिछले 3 वर्ल्ड कप में जिस कैप्टन ने टॉस जीता है वो कैप्टन और वो टीम मैच हारी है। तो भाई यहां पर पैट कमिंस ने टॉस जीतकर एक काम तो बढ़िया कर दिया, आपने दो बार टॉस जीता, यही काम बढ़िया हुआ। भले ही वो मुक्का मार रहे थे पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुक्का मार के उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसके बाद आईपीएल की एक बढ़िया टीम। लेकिन आपने 2003 फाइनल की जो बात करी है, एक बड़ा जरूरी सवाल मुझे उस वहां से याद आ रहा है। आकाश भाई आपसे पूछना चाहूंगा, क्या रिकी पोंटिंग के बैट में स्प्रिंग लगा था? ये मतलब ये वही वाली बातें कि आप भारत जब गेंदबाजी कर रहे थे कि आप बॉल में चिप लगा था उतन उसी लेवल की बात है, तो इसलिए कोई स्प्रिंग विंग नहीं था। बैटिंग बहुत अच्छी की उन्होंने एक्चुअली, उस दिन भी वो खराब डिसीजन नहीं था क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा भी जो वहां पर थे भी, कह रहे यार बहुत मॉइस्चर था उस दिन यार, तो उतने मॉइस्चर में ना आपको लगता ही है कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए, तो वॉजेंट अ रॉन्ग डिसीजन। पर अब अगर हाथ से बॉल ही ना निकले और एकदम से वो पहले 10 ओवर में मैच खुल जाए और फिर वो 300 रन फाइनल में बना दे तो फिर कहीं बनते हैं रन, तो सेम आज हो सकता है कि आज आपने टॉस जीता, आपको लगा कि हम चेज कर लेंगे, बाद में ड्यू आएगी, क्या पता ड्यू ना आए और इतने रन बन जाए कि मैच ही खत्म हो जाए। हाँ शुएब, आकाश सवाल है कि देखें आप, मैं आपसे आपसे पूछता हूँ कि देखें अगर टॉस जीत के क्या इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप जो हिंदुस्तान की है उसको चांस देंगे? शाम को ड्यू फैक्टर भी है, ये 7 बैट्समैनों के साथ चांस तो नहीं देंगे ना यार ऑस्ट्रेलिया, एज ऑस्ट्रेलिया यार आप बाद में चेज कर लो, ऑस्ट्रेलिया बेशक 300 भी बना लेती पहले बैटिंग करके, मैं आपसे पूछता हूँ या 350 बना लेते तो क्या ये हिंदुस्तान बैटिंग 350 चेज नहीं करती शाम को? करती है ना यार, वो ये चांस ले रहा है, वो सुबह वो ये गंदी पिच का चांस ले रहा है, बॉल रुक के आए ऊपर नीचे आए ये 200-250 पे आउट हो और कंडीशन हमें मैच में लेके आए शाम को, ये सवाल है आपसे इसके बारे में बताइए। नहीं ये सोच यही रहे हैं शोएब, लेकिन मुझे लग रहा है 250 पे भारत को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि अगर शुरू में रोहित शर्मा चल पड़ते हैं तो पहले 10 में 70-80 आपको दिखा देते हैं, अब उसके बाद आप रन अ बॉल खेलो ज्यादा मत खेलो, तो उस काम के लिए तो विराट कोहली तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो वेल ऑयल्ड मशीन है, वो मर्सिडीज गाड़ी है, वो चलती रहती है, वो तेज नहीं भागती, प्यार से आपको अंत तक लेकर जाती है, जड्डू भी रन बनाता है पहले बैटिंग करता है, तो मुझे लगता नहीं है कि 250 पे भारत रुकेगा, और अगर 300 तक कहीं भारत पहुंच गया जिसके मुझे पूरी उम्मीद है तो यही ऑस्ट्रेलिया के जो नंबर 7 तक की बैटिंग है ना इसी की बात करेंगे कि यार ये उतना अच्छा नहीं खेल रहे यार, ये तो फंस जा रहे हैं जड्डू के सामने और बुमराह के सामने एंड ऑल ऑफ दैट, तो सोच जरूर है पर हो नहीं पाएगा। मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ने जो डिसीजन लिया है दे माइट एक्चुअली रिग्रेट, ये बाद में रिग्रेट करेंगे, गलती होगी पहले बैटिंग कर लेते तो अच्छा था। एक्चुअली आपसे एक सवाल है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के लिए, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो पेसर्स है खासतौर पे थोड़े से मतलब एवरेज दिखाई दिए अगर उनको शुरुआत में मूवमेंट बॉल से नहीं मिला जी। पिछली बार जब ओवरकास्ट कंडीशन मिले तो उनकी तरफ से लगा कि भाई बड़े खतरनाक बॉलर्स हैं अचानक से, क्या आज अहमदाबाद में दोपहर में उनको वो कंडीशंस मिलने वाले जहां वो अपनी बॉल को नचा दें हवा के अंदर स्विंग करा दें? नहीं यार दिन में तो नहीं मिलेगा जी, दिन में ये कि बॉल ऊपर नीचे रहेगा, ये बात आपको बता रहा हूँ, बॉल बल्ले पे आएगा नहीं जो अभी तक हालात देख रहे हैं जी। तो ये आपको ट्राई जरूर करें, विराट कोहली पे तो उन्होंने हाथ बांधा हुआ पीछे करने पे जी, और विराट कोहली के 2 सर पे बॉलें लगी भी हैं जी, वो इस पे ट्राई जरूर करेंगे, वो बिल्कुल इजी नहीं जाएंगे इसके ऊपर। द गेम मेरे हिसाब से आई डोंट नो यार, मुझे अगर एज ए मुझे कैप्टन पूछते हैं मैं हिंदुस्तान को कभी चेस करने के लिए कहते ही ना कि आप बैटिंग करो यार, तू बहुत खतरनाक बैटिंग है यार, मेरे पास यही चांस है कि मैं शुरू से ही बॉल करके कोई 250-300 के दरमियान आउट करूं, 300 मुझे बर्दाश्त है, 300 भी बर्दाश्त है जी, शाम को बैटिंग मैं कर देता हूँ। मेरे ख्याल में आपका एयर शो भी हो रहा है जी, तो लोग जी, 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 ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन बात ये अब उड़ने का टाइम आ गया, उड़ाने का टाइम आ गया, अब ये कि अब यही है पहले 10 ओवर बाद चल जाएगा कि रोहित शर्मा कितनी जल्दी ये प्रेशर उतारने में कामयाब हो, आप मुझे ये देखना बस, खत्म बात। अब शुभमन गिल को हम बिल्कुल ही डिस्कस करते नहीं, ओ भाई वो बड़ा प्लेयर है, कोई छोटा प्लेयर नहीं है, उससे मिल रही है यार। तो दोनों अटैक करें, अभी वो भी अटैक में आ गया, शामिल हो गया अगर रोहित के साथ तो फिर कहानी खत्म, आधे पौने घंटे में टॉस का डिसीजन वही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और शुभमन गिल पहले